खुद भैया के पाग बनती हुई और ये हमारे प्यारे भैया बांध रहे हैं राधे श्याम। ये श्री जी का स्वरूप है जो कि नंदगांव में होली खेलने के लिए आए हैं। जिस होली का आनंद ले रहे हैं वह भगवान राधा कृष्ण के द्वारा खेली गई होली है। 5.5 हजार वर्षों के बाद भी वही आनंद और वही रस आज हम सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ये आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। श्री वृंदावन धाम से भी नहीं, बरसाना से भी नहीं, नंदगांव से भी नहीं, अभी अपन है रास्ते में। वृंदावन से मतलब नंदगांव जा रहे हैं। जाना तो हमको बरसाने था, वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गए थे। तो अभी अपन ने अपने भैया ने हमको बताया फ़ोन करके कि मतलब वहाँ से ना एक ध्वजा होती है जो कि श्री जी की ध्वजा होती है, वो नंदगांव जाती है आज के दिन होली खेलने के लिए। वो श्री जी के स्वरूप में ही जाती है होली खेलने के लिए। लठमार होली का आज ये दूसरा दिन है, कल तो बरसाने में हुई थी लठमार होली, आज है नंदगांव में। तो आज हम नंदगांव की होली का आनंद लेने के लिए चलते हैं और आप सभी को भी इस ब्लॉग के माध्यम से खूब आनंद कराएंगे। तो साथ में हमारे कुछ मित्र मंडली है श्री हरभवन। तो ये अब चलते हैं यहाँ से हम नंदगांव के लिए और बीच में हम आपको वो वाली ध्वजा के भी दर्शन कराएंगे अगर हमको मिली तो, जो कि विशेष है सबसे ज्यादा। तो ये अभी नंदगांव हम जा रहे हैं बहुत सीक्रेट रास्ते से ताकि मतलब हम आसानी से पहुंच सकें। और जगह तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, वो इसलिए क्योंकि लठमार होली है ना, इस वजह से बहुत टूरिस्ट लोग आए हैं। अभी अपन एक श्री जी के गांव में से होकर के ही जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ बिल्कुल कितने प्यारे प्यारे खेत और खलिहान है। ये जिस रास्ते से अभी अपन जा रहे हैं सामने ही आपको नंद महल देखने को मिल सकता है। देखिये ये नंद महल है सामने ही बिल्कुल। तो भैया फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं नंदगांव में, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर ली है और ड्रेस हमने कल वाली चेंज कर ली है क्योंकि अब जो है मतलब यशोदा कुंड पर ना अब श्री जी की ध्वजा आ जाएगी, उसके बाद फिर हम सीधे मंदिर में जाएंगे और तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा रंग बरसेगा, तो यही वाले जो कल के कपड़े हैं इनको ही रंग का कर लेंगे। एक मिनट पहले देखो कैसे कपड़े थे और एक मिनट के बाद देखो कैसा चेंज हो गया। तो ये अभी आप देख सकते हो बरसाने के कितने गोप ग्वाल हाल लेकर के और पाग बंधवा के आ रहे हैं। तो अभी आपको ना और गोप ग्वाल वालों में कहाँ पर मिलेंगे, यशोदा कुंड पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मतलब वो आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर के पहले ठंडाई वगैरह भांग वगैरह छानेंगे, उसके बाद सीधे मंदिर पर ढाबा खोलेंगे वो और खूब गालियाँ वो भी देंगे, खूब गालियाँ वो भी देंगे और बहुत आनंद आएगा, जैसे कल हुआ था ना वैसे ही आज होगा। तो यही देख सकते हैं नंदगांव के जितने भी छोटे छोटे ब्रजवासी हैं सब है क्या ये बरसाने के गोप ग्वालों का इंतजार कर रहे हैं, ये देखो रंगों के साथ। तो ये है यशोदा कुंड, अब जा रहे हैं यशोदा कुंड में, अब यशोदा कुंड में ठंडाई छानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यशोदा कुंड में कितने गोप ग्वाल हैं, यहाँ पर सब बरसाने के आए हैं, नंदगांव में होली खेलने के लिए आए हैं। सबसे पहले अभी हम आपको श्री जी की ध्वजा के दर्शन कराते हैं, ये मेन ध्वजा है श्री जी की, आओ यहाँ पर प्रणाम करते हैं सबसे पहले। ये श्री जी का स्वरूप है जो कि नंदगांव में होली खेलने के लिए आए हैं। श्री जी की ठंडाई प्रसादी जय। तो भैया ये बिना भांग की है ये, ठीक है भैया नहीं ये बिल्कुल। तो भैया यहाँ आप देख सकते हैं पाक कैसे बनती है, ये देखिए आप, जय हो राधे। ये पाक है सबके, देखो सबके मिलेगी, सब बरसाने से लेके आए हैं। और यही हमारे बरसाने वाले, जय हो किशोरी जी की, लाडली लाल की जय हो, जय हो जय हो, रसिया की जय हो, जय हो। ठंडाई आप यहाँ ठंडाई देख सकते हो भैया, ये सारा ठंडाई है और सामने भांग की ठंडाई है। भैया के पाग बनती हुई और ये हमारे प्यारे भैया बांध रहे हैं राधे श्याम, ये लाल की जय। खूब चकाचक आनंद ये हमारे प्यारे भैया सब यहाँ सखा मंडला बैठी है और खूब भैया के यहाँ पे पाग बन रही है, श्री जी की परम कृपा। और कैसा लग रहा है महाराज, चकाचक आनंद ही आनंद आ रहा है। अरे आपके रहते आनंद नहीं आएंगे तो क्या होगा महाराज, जय हो जय हो। कैसी आ रही है, एक नंबर इनका धन्यवाद जो ये जय हो लाल की जय, जय हो जय हो, प्यारी खुशी प्यारी जय। तो भैया ये भाई देखो अक्षत की भी पाग बांध रहा है, एक नंबर की बांधी है इन्होंने, नाम बताओ।
मेरा नाम यशपंडा है, बरसाने को ब्रजवासी तुम्हारी कृपा से खूब आशीर्वाद है श्री जी को, सौभाग्य मिलो मथुरा के भैया के इनकी बाग में भाग रहा हूँ, और ये जो भैया बना रहे वृंदावन भाई इनकी उबाल रही है, बाकी बिहारी लाल और जमुना मैया की ऐसी कृपा भैया और राधा रानी सब एक संग मिल गए और आनंद बरस रहे हो, बोलो लाडली लाल की जय। तो ये यहाँ से यशोदा कुंड से ध्वजा जो है श्री जी की वो निकल चुकी है मंदिर के लिए, फिलहाल हम सब मिलके और चलते हैं यहाँ से। राधे आओ बेटो, राधे राधे। क्या कह रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो? बहुत बढ़िया भैया। यहाँ से प्रस्थान करते हैं नंदगांव के लिए, महल के लिए, नंद महल के लिए। सुनो नंद के लाला की जय, सुभान दुलारी की जय, आज के आनंद की जय। जय राधे राधे। बरसाने के यो जय भैया। हाँ ऊपर मिले, चलो महाराज यहाँ पर देखिए कितना रंग फैलाया गया है, झंडी आगे निकल चुकी है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ऊपर से जो है नंदगांव के रंग फैला रहे हैं, रंग डाल रहे हैं ऊपर से देखिए। भैया यहाँ पर देखिए कैसे आनंद लिए जा रहे हैं। जय हो, ये यहाँ रस बरसेगा और देखो भैया आपको नंदलाला के दर्शन करा देते हैं और जो भी प्रसादी है वो ले लेते हैं। एक मिनट रुको। जय हो, इतने को भुआ प्रसाद, जय हो महाराज, दर्शन करो यहाँ से पास से। बोला आपके त्रिवेदी जी की कृपा हो गई। जय हो। सबको दे, सबको दे दो, मेरे गाल पे लगा दो, गाल पे, गाल पे। मारो मारो मारो। तो ये ऊपर देखिए ड्रोन कितने सारे उड़ रहे हैं देखो। तो ये ऊपर से बहुत गुलाल और बहुत तेजू का रंग बहुत मार रहे हैं। जय हो, क्या बात है। यहाँ पर समाज के आनंद लिया।
भैया फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं लठवार होली के आनंद लेने के लिए। बरसाने कल हम गए थे बरसाने की रंगीली गली और रंगीली गली चौक, आज हम जाएंगे नंदगांव के रंगीली गली चौक। ये चलो प्यारे जिस होली का आनंद ले रहे हैं वह भगवान राधा कृष्ण के द्वारा खेली गई होली है। साढ़े 5-4 वर्षों के बाद भी वही आनंद और वही रस आज हम सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कृपया करके एक दूसरे का आप ध्यान रखें, जो छतों पर है वो धक्का मुक्की ना करें, जो रास्ते में गुलाल लिए दौड़ रहे हैं वो गुलाल का प्रयोग ना करें। रंगीली गली है और यहाँ पर भी मतलब उतनी भीड़ है, बरसाने में तो ज्यादा थी मगर यहाँ पर थोड़ी कम है, मगर है फिर भी आप देख सकते हो। तो ये नंदगांव की रंगीली गली है और सामने ये रंगीली चौक है, रंगीली चौक पर भी लठमार होली के आनंद लाते हैं। तो ये भैया है और सामने भाभी है, भाभी की वीडियो बनानी है। भैया फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हमने स्कूटी पार्क की थी, ये रही अपनी स्कूटी यहाँ पर पार्क की थी। अब इसी के साथ अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब वृंदावन जाएंगे, यहाँ से ठंड लगेगी अब बहुत क्योंकि ये सब कपड़े पूरे गीले हो रहे हैं। एक आदमी आया और बगल में चल रहा था, यहाँ बोला भैया मेरे कोई खो गया है तो उसको फोन करना है। मैंने कि गुरु यहाँ नेटवर्क जामर लग रहे हैं, तो इन्होंने जवाब क्या दिया सुनो। मैंने बोला भैया, वो पूछ रहा था बोले नेटवर्क जाम क्यों है, मैंने बोला रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना इसलिए। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसीलिए नेटवर्क यहाँ पर जैमर लगाए गए हैं। कई ऐसी जगह थी मतलब जहाँ हम बोल नहीं पा रहे थे, आप सभी को समझा नहीं पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मतलब वहाँ पर क्राउडेड बहुत ज्यादा था और शोर गुर ज्यादा था तो मेरी आवाज आप तक पहुँच भी नहीं पाती। ज्यादा दूर नहीं, अरे ना ज्यादा दूर जान जा रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ, सही रहेगा बैठ के, फ्रेम अच्छा आएगा, बैठ के ज्यादा ही गोबर लगेंगे। चालू है ठीक है, चालू है चालू है, डाल देना ठीक है। तो हमारा अभी अपन ये अपने पाग उतारते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कैसी सजी हुई है पाग। ये जय हो श्री जी सरकार की। तरी नारा ही महाराज, ये देखो क्या बात है, एकदम टकाटक बाल निकले हैं तुम्हारे तो। देखो बाल भी टकाटक है और चुटिया भी टकाटक। देखो बाल भी टकाटक है और पगड़ी भी टकाटक है, ये देखो अंदर पगड़ी भी टकाटक, बिल्कुल कमंडल की तरह है ये। ओ भाई साहब, ये देखो रुई चकाचक एकदम भर रही है यहाँ पे, जमा रुई है। तो भैया इसको ना हम पूरा पैक कर लेंगे गुड़मुड़ और इसको एक थैली में रख लेंगे, अपने घर पर जा करके सजा करके रख लेंगे, जिसको चाहिए आके ले जाओ। और चलो वो तो देखी जाएगी, मगर ये इसको ना मतलब बिल्कुल सजा करके रखेंगे, क्यों क्योंकि ये मतलब एक तरीके से प्रसादी है हमारी, नहीं ये पूरे मतलब श्री जी के गुलाल की, ठाकुर जी के गुलाल की प्रसादी है, विशेष इसलिए है ये। जय हो भिक्षाम दे, ये स्वरूप बहुत सुंदर है। जय जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।
Don't forget to share.